तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये मूंग और चने की रोस्टेड सलाद बनके तैयार है। तो आप इस तरीके से अपने घर पे बना सकते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने एक मुट्ठी मूंग लिया और एक मुट्ठी चना लिया है, उसे लगभग 8 से 10 घंटे हमने भीगने के लिए छोड़ दिया है। और कुछ हमने बादाम के टुकड़े भी डाले हैं, तो बादाम भी हमने 5 से 6 डाले हैं। और तो उसके लिए हमने फ्रेंड्स 2 प्याज लिया है और 6 से 7 हरी मिर्च को लंबे भागों में काटा है, और टमाटर 1 लिया है, उसे भी हमने रफली चॉप किया है। तो अब हम एक फ्राई पैन में बिल्कुल थोड़ी सी तेल डालेंगे, इसमें तेल ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, और बिल्कुल एक चुटकी से थोड़ी सी कम, एक चुटकी के लमसम हम यहाँ पे खड़ा जीरा ऐड करेंगे और इसे थोड़ी सी रोस्ट कर लेंगे। और इसे रोस्ट करने के बाद हम सारे जो हमने भीगने के लिए डाला था मूंग और चने को, तो इस प्रकार से डाल के हम इसका केवल कच्चापन निकालना है। और इसे लगभग 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम इसका कच्चापन इसे निकाल लेंगे। तो इसे इस तरीके से चला लेंगे। तो आप चाहे तो इस सलाद को बिल्कुल ऐसे भी खा सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्रोटीन वाली, प्रोटीन से भरपूर होती है। तो ये देखिए हमारा इसका जो है कच्चापन निकल गया है, हमने लगभग 4 मिनट पकाया है इसे। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें प्याज ऐड करेंगे, प्याज और हरी मिर्च को हमने जो काट के रखा था। तो प्याज को पहले नहीं डाला, नहीं तो पहले डालेंगे तो प्याज हमारा ऑलरेडी पक जाएगा। तो इस रेसिपी में हमें कोई भी चीज़ को पकाना नहीं है, केवल हल्का सा इसे रोस्ट करना है। तो हल्का सा केवल इसमें इसका कच्चापन निकालेंगे, बाकी हम नॉर्मली जैसे सलाद खाते हैं उसी प्रकार से। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन युक्त होता है, तो आपको कच्चा सलाद अच्छा नहीं लगता इस प्रकार से, तो थोड़ा सा आप रोस्ट करके खाएं तो ये भी बहुत ही बढ़िया लगता है। इसमें हमने कोई भी मसाला का इस्तेमाल नहीं किया फ्रेंड्स, केवल हमने थोड़ी सी तेल, खड़ा जीरा और नमक का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। तो टमाटर को भी हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये सलाद वाली जो फीलिंग है वो नहीं आएगी। तो टमाटर को डालने के बाद हम इसी प्रकार से इसे भी लगभग 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में नमक ऐड कर लेंगे। और नमक ऐड करने के बाद फ्रेंड्स इसे भी हम चला लेंगे। आप इस रेसिपी में कोई भी आप कवर करके इसे ना पकाएं, क्योंकि इसी प्रकार से आप पकाएंगे तो इसका कच्चापन जो अच्छे से निकल जाएगा। तो ये देखिए फाइनली हमारा ये बनके तैयार है फ्रेंड्स, ये मूंग और चने का रोस्टेड सलाद। तो अब हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये फाइनली हमारा ओके है। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा मूंग और चने का सलाद बनके तैयार है। तो ये बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। तो 6 से 7 मिनट आप इस प्रकार की रेसिपी बनाएं और इस प्रोटीन युक्त सलाद का आनंद लें। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि किसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।